आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, क्या लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए, तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है, तो उस बिंदु पे जाइए। आम आदमी पार्टी 2017 में भी कोर्ट जा चुकी है इस पे, मनीष सिसोदिया जी इस बात को छुपाते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेने का भी प्रयास किया था इस पे, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है, और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है, कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है।